हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के एक नए गेम प्ले वीडियो में। आज के इस गेम प्ले वीडियो में टाइटल से समझ ही गया होगा आप लोगों को, 6.1.2 कंप्लीशन की तैयारी है। किसी भी तरीके से मैं कर दूंगा। 6.1.2 ज़्यादा डिफिकल्ट है। मिनी बॉस है सेंटिनल, दूसरा जो बॉस है वो है अल्ट्रॉन। आप लोगों ने देखा होगा 5.4.6 में अल्ट्रॉन ने कैसे बैंड बजाई थी मेरी। अब 6.1.2 में फिर से अल्ट्रॉन आ चुका है और सेंटिनल भी आ चुका है, जो कि अगर उसके वो 100 स्कैनिंग कुछ होता है, जो भी होता है, अगर वो हो जाए तो फिर वो ब्लॉक डैमेज पे भी इंसर्नेट देगा। और हमें ब्लीड और पॉइजन इम्यून चैम्प्स लेने हैं 6.1.2 में। स्टार्ट करने से पहले एक क्रिस्टल है जो कि ओपन करना है, वरना एक्सपायर हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग ये कब देख रहे हो, लेकिन मैंने ये रिकॉर्ड किया है 1 दिसंबर को। ठीक है, जल्दी मैं पुश कर रहा हूँ ताकि 10 दिसंबर से पहले मैं कैवेलियर बन सकूँ। ट्राई में ये करूँगा, बट अनफॉर्च देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, हमें ये वाला क्रिस्टल ओपन कर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर बी विस्कर्ड क्रिस्टल का। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे अगर 5 स्टार मिल जाता है कोई अच्छा वाला तो फिर बढ़िया रहेगा। वॉयड देख गया मेरे को वैसे। लेट्स सी, देखते हैं 5 स्टार मिल सकता है या नहीं। बाकी फिर किस्मत तो बुरी है, 3 स्टार ही मिलेगा वरना और कुछ मिलेगा नहीं। ओके, लेट्स सी इवन टैप कर दिए हैं 5 स्टार। क्या 5 स्टार? ओके तो गाइस, ऑडिन अवेकन हो चुका है। मेरे को पता ही नहीं था कि भाई हमको 5 स्टार मिल जाएगा। लगा ही नहीं था, मतलब किसी भी एंगल से लग नहीं रहा था, क्योंकि इतने सारे खोले थे, किसी में 5 स्टार नहीं निकला। फाइनली हमारा ऑडिन जो है वो अवेकन हो चुका है। एंड मैंने आई थिंक इसको रैंक 2 पे रखा है, शायद से जहाँ तक मुझे याद है रैंक 2 या कुछ है ऐसा। इसको भी रैंकअप करना है। बहुत अच्छे चैंपियंस हैं मेरे पास, रोस्टर काफ़ी अच्छा है रैंकअप करने के लिए। जल्दी से 6.1.2 स्टार्ट करते हैं। पाथ जो लेने वाला हूँ वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। टीम में रेडी कर चुका हूँ जो मेरे को लेनी है। ज़्यादातर मैंने ब्लीड और पॉइजन इम्यून रखे हैं, सारे ही रखे हैं। ओके तो गाइस, 6.1.2 में के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूँ। मैं पाथ लेने वाला हूँ ए, जहाँ पर हमें ब्लैक विडो से फाइट करनी होगी। वेट करेगी तो ज़्यादा इसमें कुछ लोकल लोड नहीं है। मैं पाथ लेने वाला हूँ एजेंट विनोम वाला। द डिफेंडर गेंस 25% अटैक फॉर ईच डिबफ ऑन दैम। ठीक है, इस पर कोई डिबफ नहीं डालना है। एंड मून नाइट है जो कि आसान फाइट है, एंड ये ब्लीड देगा। तो मेरी टीम आप लोग देख ही सकते हो, वॉरलॉक है जो कि ब्लीड और पॉइजन से इम्यून है, हाइपरिन है जो कि पॉइजन से इम्यून है, ब्लैक विडो क्लेयर वॉइंट जो कि मुझे लगता है ब्लीड और पॉइजन से इम्यून है, और जो हमारा आइसमैन है वो भी ब्लीड पॉइजन से इम्यून है, एंड क्लॉसेस जो कि ब्लीड से इम्यून है, पॉइजन से इम्यून नहीं है। मून नाइट है जो कि ब्लीड देगा। किंग पिन से अनोइंग फाइट हो सकती है। मे बी यहाँ पे कोई हमको मतलब कोई नॉकआउट हो जाए मेरा चैम्पियन, बट एनीवे कैसी भी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। ब्लीड देगा जो कि मेरे पास सारे हैं, एंड ये भी आई थिंक ये सारे लोकल नोड दे रहा है। इस पर लोकल नोड क्या लगा हुआ है, इफ्टार। ओके, मेरे को पता नहीं ये क्या है। एंड देन उसके बाद सेंटिनल है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें लगा हुआ है बायो हैजार्ड, आर्क ओवरलोड, बबल शील्ड, स्पेशल अटैक, हील ब्लॉक, प्रे ऑन द वीक लगा हुआ है, एंड देन उसके बाद अल्ट्रॉन। तो भाई इसका क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। एनीवे स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट तो करना है, कंप्लीट तो करना है, कैवलियर बनने के लिए कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने देखा था 6.1.1 में कैसे बैंड बजी थी मेरी, बट उसने तो बैंड ही बजा दी मेरी। ओके ठीक है, ए पास पे चलते हैं। मुझे बूस्ट भी यूज़ करने हैं यार कुछ, वरना तो बड़ी दिक्कत आएगी। पहली फाइट काफ़ी आसानी से हो जाएगी मुझे लगता है। ओके एक सेकेंड देख लेते हैं एक बार। ओके, इसमें ग्लोबल नोड जो है 15 कॉम्बो, मतलब कि आपको 15 हिट से पहले एक स्पेशल थ्रो करना ही पड़ेगा। अगर 15 चार्ज ख़त्म हो जाते हैं तो आपको डैमेज मिलेगा इक्वल टू 100% ऑफ द डिफेंडर अटैक। तो मतलब 1300 का डैमेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइट को। ये फाइट आसान से हो जाएगी, इधर बूस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना देर से हम बूस्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है हमें। ओके, आप लोग देख रहे हो मेरे ऊपर मेरे साइड पे हाथ बने हुए हैं जिसमें 11 चार्ज रह गए सिर्फ। अगर ये मेरा क्लॉसस अगर ऐसे ही क्रिटिकल हिट्स देते रहा, बहुत यार पाथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी किंग पिन में, सेंटिनल में एंड अल्ट्रॉन में, यहाँ पे ही प्रॉब्लम आने वाली है और कहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते हैं।
फिलहाल लोकल नोड, इस पे नोड लगा हुआ है 2 सेकंड फ्यूरी, मतलब फ्यूरी मिलता जाएगा, डिफेंडर ई डिबफ बूस्ट यूज़ कर लेते हैं आगे जाने से पहले। 1,24,000 की हेल्थ है, यूज़ बूस्ट। देखो अगर यहाँ पे मैंने 15 कॉम्बो यहाँ पे ख़त्म कर दिए तो मेरे को 4,000 का डैमेज मिलेगा। अटैक बूस्ट लगा दो, इन्वेंट्री में वैसे भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे चैम्पियन बूस्ट लगा दो, 25% अटैक हो चुका है हमारा। एंड यहाँ पे हेल्थ बूस्ट भी लगाना है मुझे, 20% वाला लगा दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं एक बारी में कर पाऊँगा ये, मुझे काफ़ी सारे टीम रिवाइविंग पोशन डालने ही पड़ेंगे, मुझे लग नहीं रहा है मैं कर पाऊँगा ये एक बार में, ठीक है। अब सेंटिनल की जो फाइट है वो काफ़ी ध्यान से खेलनी पड़ेगी। हुआ इसे मारा नहीं। ओके वो देख रहे हो, 4 स्पेशल थ्रो कर दिए मैंने, आर्मर अप हो चुका है। क्रिटिक्स दे भाई, क्रिटिक्स दे यार, क्रिटिकल हिट दे यार, ऐसे मत कर। क्रिटिकल हिट दे यार, एक हिट क्रिटिकल दिया इसमें। ओके फाइन, बढ़िया, 4% एंड इट्स डन। एक हैवी पड़ गया जो कि काफी भारी पड़ा, 4,000-5,000 का डैमेज वहां मिला मुझे। अगली फाइट जो है वो है मून नाइट के साथ, तो पैरी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, पैरी आराम से हो जाएगा। ओके 1.5 लाख की हेल्थ है एंड वही है, ब्लड ब्लीड ज़्यादा मिलेगा इसमें 100%। तो मैं सोच रहा हूँ आइसमैन को यूज़ करते हैं, मैंने क्लॉसस को किंग पिन के लिए बचा के रखा है, क्योंकि किंग पिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार, वो बंदा डिफ़िकल्ट है, रेज कर लेता है वो बार बार। अरे भाई ये वेट भी तो करता है साला, भूल गया था। हट तेरी तो, ओके कितना ही वेट करता है भाई, हट तेरी तो। बढ़िया, फिलहाल तो फाइट अच्छी जा रही है। अरे शिट मैन, साला एक पड़ गया यार, लॉक डैमेज दे दो भाई, ऐसे मत करो। ओके डन 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 डन, कुछ हिट्स तो पड़नी थी वो पड़ गई। अगली फाइट पे चलते हैं, नेक्स्ट फाइट है किंग पिन बाय माइटी किंग पिन के साथ फाइट है, जो कि भाई बहुत ही बैड एस है। इस पे लोकल नोड क्या लगा है एक बार चेक कर लेता है। डिफेंडर हैज 35% चांस टू ग्लांस अटैक, तो ये ग्लांस कर सकता है। 1.5 लाख की हेल्थ है भाई, मेरे 2 से 3 नॉक आउट कर देगा मुझे, लग नहीं रहा है भाई मैं क्लोसेस से इसको ले पाऊंगा मान एक शॉट में। ये प्यूरीफाई भी कर लेता ना यार, देख रहे हो कर लिया प्यूरीफाई। ओके ग्लांस ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है बंदा, देख रहे हो प्यूरीफाई कितनी जल्दी कर रहा है। अबे साले एक प्यूरी तो ले ले, एक पैरी तो ले ले, स्पेशली थ्रो करने दो। ओके
जस्टिफाई कर रहा है यार अपने आप को। बढ़िया, स्पेशल थ्रो कर, स्पेशल थ्रो कर, स्पेशल टू पे जाने नहीं देना इसको, बहुत डैमेज मिलेगा, ब्लॉक डैमेज भी। ब्रो स्पेशल थ्रो कर प्लीज, स्पेशल, ओके बढ़िया। एक पैरी ले ले भाई, मेरे को ऐसे थ्रो करना पड़ेगा। ग्लांस कर रहा है भाई, अबे कितना प्यूरिफाई कर रहा है भाई ये। एबिलिटी एक्यूरेसी बढ़ गई है क्या इसकी? 7 रेंज पे खेल रहा बंदा मेरे साथ। ओहो मैं अनब्लॉकेबल हो गया, और बीच में गेम क्यों अटक गई मुझे ये नहीं समझ में आया। डन हो जाना चाहिए। ओके मैं, ओ भाई वन शॉट में ले लिया किंग पिन को यार, लगा नहीं था मुझे। एनीवे अगली फाइट्स जो है वो आसान ही है, आई थिंक ब्लैक पैंथर के साथ फाइट है जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है उसे मारना, बेसिक फाइट होगी वो। बट एनीवे लोकल नोड चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं पता भाई कैसा क्या कर ले कोई भी बंदा। स्लैश थ्रू ब्लॉक इन्फ्लिक्ट 5 स्टैक ऑफ ब्लीड, ईच ब्लीड डज 10%। ओके मतलब ये ब्लॉक पे भी मार सकता है मतलब। ओके तो मुझे ब्लीड इम्यून चैंप लेना है, मेरे पास वॉरलॉक है, 1.5 लाख की हेल्थ है और फ्यूरी तो है ही है इसमें। क्लोसस को अगली फाइट के लिए बचा के रखते हैं यार, क्लोसस अभी बहुत काम आएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं सेंटिनल को मारूंगा कैसे यार। ओके कर दिया स्पेशल, बढ़िया। अरे नहीं डीजन क्यों लग गया यार, गलत बात है भाई। देख रहे हो ब्लॉक पे भी ये ब्लीड फेंक रहा बंदा। ओवर ड्रेन करते थोड़ा, मैं नहीं चाहता स्पेशल टू पे जाए बंदा। ओके बढ़िया, अभी तक फाइट बहुत आसानी से कंप्लीट कर ली है हमने, आगे भी देखते हैं कंप्लीट करनी है भाई। मर जा भाई मर जा, साला ब्लॉक डैमेज भी बड़ा दे रहा है। ओह डन, 20% ब्लॉक डैमेज मिला है मुझे, इसमें कोई भी हिट नहीं खाई। अगली फाइट जो है वो है टास्क मास्टर के साथ में, आई होप सो कि ये नोड शायद से बॉस को दे रहा था वो हट जाएगा इसके बाद। 1,32,000 की है। इफ टास्क मास्टर करंट एक्सप्लॉइट वीकनेस टारगेट अटैक इज अ स्पेशल अटैक, ऑल हिज स्पेशल अटैक बिकम अनब्लॉकेबल। ओके मतलब सारे के सारे स्पेशल जो है वो अनब्लॉकेबल हो जाएंगे। एनीवे ये भी ब्लीड देता है मुझे, मैं सोच रहा हूँ हाइपरिन को ले जाते हैं, डायरेक्ट डैमेज लेने की कोई बात नहीं पड़ी, अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, डायरेक्ट डैमेज ले ही नहीं सकता मैं, मुझे पैरी करना है। एक ही फ्यूरी मिला, मैंने सोचा था स्पेशल टू दूंगा लेकिन स्पेशल थ्री बच गया। एक फ्यूरी पे क्या ही डैमेज मिलेगा यार। चलो 86 हुआ है, नॉट बैड। साले पैरे तो हो जा, नहीं होगा, हो गया 10% हेल्थ गई। ओके एक भी फ्यूरी नहीं, बढ़िया। अबे स्पेशल थ्रो करना, एक फ्यूरी,
फाइनली स्पेशल टू तो दिया एंड डन। चलो मैंने बोला था पाथ में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, परेशानी आएगी मिनी बॉस पे एंड बॉस पे। अब मेरे को लगता है मैंने शायद से 10-15 मिनट के अंदर ये फाइट्स कंप्लीट कर ली होंगी। सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है मिनी बॉस पे एंड देन उसके बाद उससे भी हार्ड बॉस। ठीक है, आर्क ओवरलोड है, हाइपरिन का हाइपरिन नहीं। अच्छा, गेनिंग आर्मर बफ विच इंक्रीज आर्मर इतना एंड अ रीजनरेशन बफ विच हील एंड अ रीजनरेशन बफ विच हील 25% दिस बफ लास्ट फॉर 6 सेकंड। ठीक है, 25% ये मैक्स अपनी हेल्थ करेगा हर 20 सेकंड में। ठीक है, वॉरलॉक सही रहेगा लेकिन वॉरलॉक बचेगा नहीं तब तक। अगर मैं इसको मारता हूँ तो ब्लीड लगेगा, अगर इसके ब्लॉक पे मारता हूँ तो पॉइजन लगेगा। ठीक, इस टाइम द अटैकर ब्लॉक्स एंड अटैक द ब्लॉक प्रोफेंसी रिड्यूस बाय 6%, मतलब 10 के बाद 11वां जो अटैक होगा वो अनब्लॉकेबल होगा। डिफेंडर हील ब्लॉक कर लेगा, द डिफेंडर गेन 1% ऑफ द मैक्स पावर इस टाइम अ बफ इज नलीफाइड एक्सपायर। ओके, अब मैं सोच रहा हूँ देखो ब्लॉक पे मारूंगा तो पॉइजन लगेगा ना, अगर डायरेक्ट मारूंगा तो ब्लीड लगेगा, तो हाइपरिन किसी काम का नहीं है यहाँ पे। एंड मुझे लेना है ब्लैक विडो को ले सकता हूँ, वॉरलॉक को लेके जा सकता हूँ। 166,000 की हेल्थ है, स्पेशल वन ही मैं सोच ट्राई करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल वन पे ही पुश करूँ, स्पेशल टू पे ना लेके जाऊँ। पता नहीं पड़ गई मैं, वाओ कर दे कर दे कर दे, स्पेशल थ्रो कर दे, स्पेशल थ्रो कर दे भाई। नहीं 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 नहीं, मुझे भी अपने स्पेशल थ्रो करना है भाई, जल्दी कर। 52 है ना, वो हो गया इसके, पता नहीं क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ओके, इसको पावर ड्रेन हो रहा है क्योंकि ये रीजन कर रहा है ना। साले के ब्लॉक पे मारने गया बंदे ने, मेरे को ऐसे ही ठोक दिया। अबे अबे क्रिटिकल देना भाई, क्या ही कर रहा है तू, डायरेक्ट डैमेज बढ़ रहा है भाई, हद हो गई यार। पांच ही वो रह गए, अबे एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया, इंसेनेट मिलेगा मुझे यार। शिट मैन, मेरे को स्पेशल वन फेंकना पड़ेगा। देख रहे हो एनालिसिस बोलते हैं, बट वो ये एनालिसिस कंप्लीट हो गए थे। अबे कितनी जल्दी फेंक रहा है भाई, मौका तो दे भाई मेरे को मारने का, साला ऊपर से इम्यून भी है। बढ़िया, थोड़ा रीजन करते हैं भाई। क्रिटिकल कब दोगे, क्रिटिकल कब दोगे तुम लोग, मेरे को गुस्सा आ रहा है। हाँ शाबाश, बढ़िया। अरे नो मैन नो, गलती हो गई। अरे अबे साले कॉम्बो तो कंप्लीट कर भाई, क्या कर रही है, रीजन कर रीजन कर। मरी कैसे लेकिन, अबे मरी कैसे, जिंदा खा जाएगा साला। देखो और ओवरलोड, इसके ब्लॉक पे नहीं मारना है नहीं तो पॉइजन मिल जाएगा। करने दो स्पेशल थ्रो, करने दो भाई, भाई को स्पेशल थ्रो करने दो, करना स्पेशल थ्रो, मेरे को भी करना है अपना। इंसरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू इंसरनेट दे मेरे को। साले को पता है अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा इसलिए हैवी फेंक रहा है। अबे अनब्लॉकेबल हो गया बंदा, कैसे वो भी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे शिट मैन, मैंने क्या कर दिया ब्रो, क्या कर दिया मैंने ये। अरे मैंने इसके पॉइंट, इसके
अबे यार ब्लॉक पे मार दिया था यार गलती से। ब्लीड पॉइजन इम्यून है मेरा ये। क्रिटिक सो मेरे को। अभी मेरा वो होने वाला था, कॉम्बो चार्ज खत्म होने वाले थे। इंसानेट देगा दे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है भाई। दे इंसानेट दे तू। बढ़िया। बढ़िया। 14% बचा है। दे इंसानेट दे भाई, कोई बात नहीं दे। अबे यार रीजन करने लगे। वाओ ये क्या। ओके 16,000 हेल्थ है, चलो मारते हैं। ब्लॉक डैमेज देना पड़ेगा, मतलब ब्लॉक पे ही मारना है इसको यार। तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके फाइनली 4 नॉकआउट के बाद में इसको मार दिया। बचा है अल्ट्रॉन जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके छोटा रिफिल मार दे, एक बार बूस्ट भी चेक कर लेते यार बचे भी हैं या नहीं। 290,000 भाई साहब। ईएमपी वाला तो हमारे लिए होता है ना। हाँ छोड़ो मेरे को इसको कुछ नहीं करना है। बैकअप व्हेन ब्रॉड बिलो 50% हेल्थ द डिफेंडर गेन अ बर्स्ट ऑफ 30% पावर। इफ अ रिडक्शन ऑफ एबिलिटी एक्यूरेसी प्रिवेंट दिस द डिफेंडर इंस्टेंट रिकवर 25% मैक्स हेल्थ व्हाइल ओपोनेंट हैव एक्टिव बफ दिस चैंपियन एक्टिवेट पावर फ्लड आउट ऑफ स्पाइट ग्रांटिंग 18% पावर पर सेकेंड। मतलब मेरे पास अगर बफ है तो बफ में तो सब है, सब में बफ है। Every 2 seconds on a timer, gain armor up buff. Passive V increase armor up by 50%. Unstuck, reset the timer and remove an armor. Okay, fine. ये बंदा evade भी करता है यार। पहले boost check कर लेते हैं आगे जाने से पहले। तो champion boost 1 मिनट में ख़त्म होने वाला है and बाकी सब है मेरे पास 10 मिनट के लिए। चलो fight करते हैं इससे, देखते हैं कितना ठोक सकते हैं इसको Hyperion से। इससे ज़्यादा मारने की कोशिश करूँगा। ले भाई मेरे। बस इतना ही मारा क्या। अबे ये क्या किया इसने। मैंने हैवी दिया, बंदे ने हैवी भी नहीं दिया। हैवी मारने की कोशिश की, हैवी भी नहीं दिया। मैंने स्पेशल मारने की कोशिश की, स्पेशल भी नहीं दिया। भाई ये क्या हो रहा है यार। गलत बात है यार ये। टीम रिवाइव डालना पड़ेगा। दो लाख 66-67 बचा है ना। एक बार चैंपियन बूस्ट यूज कर लेते हैं एक और। ओके साला ये वेट ना कर ले भाई। स्पेशल भी थ्रो, ये साला शॉक भी दे रहा है भाई। साला ब्लीड ही नहीं है इस बंदे को। अरे नहीं यार 81 बचा है। चलो कोई बात नहीं। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अबे कितना पावर गेन हो रहा है बे। अरे शिट मैन मेरे को लगा था स्टन होगा यार। भाई डिफिकल्ट है यार, डिफिकल्ट है सच में। X6 ये क्या किया भाई यार, ये क्या कर दिया। मार खाली
भाई एक्ट सिक्स बच्चों का खेल नहीं है यार, बज गई भाई। भाई सही है, क्रिटिकल दे दिया 11,000 का। भाई सही, 6,000 का डैमेज। साले को ब्लॉक पे मारने गया बंदे ने, मेरे को ऐसे छोड़ दिया। 8 है, मार लेंगे यार। क्रिटिकल देते मेरे भाई। हाँ यही तो रह गया था, इवेड करना यही रह गया था एक चीज़, बाकी सिंपल। बाकी ऐसे तो मार ही रहा था, ये ब्लॉक डैमेज ही तगड़ा दिखा रहा है। एक टीम रिवाइव डालते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास। हाइपरियन से ट्राई करते हैं पहले, 1,89,000 है, हाइपरियन से ट्राई करते हैं। शाबाश, क्रिटिकल दे रहा, शाबाश। साला मुझे लगा था स्पेशल थ्रो के थ्रो करे, मैंने गलत कर दिया ना। अबे मैंने उसको स्पेशल थ्री पे पुश कर दिया यार। साला इवेड कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो डैमेज देता। करो इसको क्विट करो यार, नहीं देखना, बड़ी गंदी मौत मार रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, 1,62,000 है, मार लेंगे। काफ़ी आसान हो जाता है, इंसरनेट मिलता तो काफ़ी आसान हो जाता है। बंदा ब्लीड भी नहीं ले रहा है ना। अरे नहीं, ये देखो बंदा शौक भी दे रहा है यार, एक चीज कम थी तो शौक भी देना है इसको। अरे नहीं यार, 50% से नीचे लाना है, फिर शायद से रीजनरेशन बंद हो जाएगा इसका। अभी 51 पर है ये बंदा। ओके चलो 46 पे लाया। अबे शॉक डैमेज भी मिल रहा है भाई इसके स्पेशल से यार। ये ले। बढ़िया क्रिटिकल दे दिया भाई। ब्लैक विडो भी सही है, नलीफाई कर दिया शायद। कर दे स्पेशल थ्रो। गया मैं, गया। अबे नहीं यार, बचूंगा क्या? अबे कितनी हिट क्रैक रहा है भाई, 22 हिट्स है इसके स्पेशल थ्री पे। भाई साहब क्या है ये, 22 हिट्स दे रहा है। ओके 86,000 बचा है। क्रिटिक चाहिए। स्पेशल थ्रो कब कर गया, स्पेशल थ्री नहीं मारना। चलो ब्लॉक डैमेज इतना दे रहा भाई, 23% बचा, लेट्स सी देखते हैं क्या हो सकता है इसमें भी। ओके पावर ड्रेन हुआ, 11% है भाई। अरे नहीं यार, एक और स्पेशल फैक्ट देता ना। चलो 8% बचा है, ज़्यादा नहीं है। कितना है, 8%, 22,000 है। 23 पे था ये बंदा, 23% पे था, 65,000 हेल्थ थी भाई। 8% पे ले आए हैं उसको। रुको यार, हीलिंग पॉट डाल देते थोड़ा बहुत, वैसे बेवकूफ़ी है हीलिंग पॉट डालना यहाँ पे।
चलो मारते हैं, 22,000 बचे हैं। साला पैर ही नहीं लिया इस बार इसने। देख रहे हो बंदा क्या कर रहा है, चलाक क्या बन रहा है। 3% मर जा भाई। अबे यार शौक से ही मर गया भाई मैं तो। ओके फाइनली। अबे मरा क्यों नहीं। ओके मर गया मर गया, मैं डर गया भाई। ओके तो गाइस 6.1.2 यहाँ पे होता है कंप्लीट। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे मार पड़ी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझे मार पड़ी है। मैं नहीं बोल रहा मैं प्रो हूँ भाई, मैं नू भी हूँ, लेकिन एटलीस्ट हमने कंप्लीट तो कर दिया। कंप्लीट करने में भी बहुत कुछ होता है भाई। 6.1.2 फाइनली कंप्लीट हुआ। आप 6.1.3 खेलना है, चलो खेलेंगे वो भी टाइम आने पे। 10 दिसंबर से पहले मैं चाहता हूँ कि कैवेलियर बन जाऊँ मैं, क्योंकि वहाँ पे एक कैलेंडर आने वाला है 10 दिसंबर को। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलूंगा जल्दी एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।